नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने श्रीनगर पहुंचे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग हुई है। बिहार के सुपर कॉप आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए अपनी आगे की योजनाओं का भी जिक्र किया। लांडे फिलहाल पूर्णिया रेंज की आईजी के पद पर तैनात थे। बीते दिन केंद्र सरकार ने चंद्रयान मिशन 4 को मंजूरी दी, जिससे वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। ये मिशन भारत के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बिहार में एनआईए ने पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के गया स्थित आवास पर छापेमारी की। रिपोर्ट के अनुसार टीम को वहां करोड़ों रुपए मिले हैं। एसबीआई से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है, जिससे पैसे की गिनती की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की थी। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को फेल प्रोडक्ट करार दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भांजे मनीष कुमार को जनता दल यूनाइटेड में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनको पार्टी के आईटी सेल का मुख्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे प्रदेश महासचिव का भी जिम्मा संभालेंगे। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा का आयोजन 21 अगस्त से 4 सितंबर तक किया गया। एनटीए ने आंसर की भी जारी कर दी है और जल्द ही रिजल्ट भी घोषित होने की उम्मीद है। परीक्षार्थी अपने परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nte.ac.in पर लॉगिन करके देख सकेंगे। अररिया जिले ने पोषण अभियान गतिविधि में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि समस्तीपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान के तहत अररिया में 2416 स्कूलों में 54,283 गतिविधियां आयोजित की गई। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नवादा में दलित बस्ती जलाए जाने के मामले पर यादव समाज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से साथ रहे हैं, लेकिन कुछ यादवों ने जमीन के लिए मुसहरों को अपने पक्ष में करके विवाद को बढ़ाया है। बिहार में महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे निर्माण काम में कोई देरी नहीं होगी। देश की सबसे पुरानी कंपनियों में सुमार सापुरजी पलोनजी समूह को जल्द 8,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा। समूह के रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ भी लॉन्च करने वाली है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के क्रिकेट करियर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे 9वीं कक्षा में फेल हुए और क्रिकेट के दौरान पानी ढोने का काम करते थे। तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपने क्रिकेट अनुभव को लेकर एक बयान दिया था, जिसपे प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एमपी के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन आज उन्होंने इंदौर रेसिडेंसी कोठी परिसर में पौधारोपण किया। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू का उज्जैन पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 16% की गिरावट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट के एजीआर बकाया की पुनः गणना करने की याचिका खारिज करने के फैसले के बाद हुआ। टेलीकॉम कंपनी संकट में फंसी हुई है, जिसमें निवेशकों की चिंता जो है बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ यूक्रेन भारत में बने तोप के गोले का प्रयोग कर रहा है। भारतीय हथियार निर्माताओं ने इन गोलों को यूरोपीय देशों को बेचा था, बाद में इन्हें यूक्रेन भेजा गया। और उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार में 274 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 20 स्कूल पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, जिससे परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। बिहार के नवादा में दबंगों ने महादलित परिवारों के कई घरों को फूंक दिया। ये पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर की है। इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है।
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने tickjockey.com पर 7.40 करोड़ रुपए का निवेश कर 2% हिस्सेदारी खरीदी है। ये कंपनी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मार्केट प्लस के क्षेत्र में काम कर रही है। पंत का ये कदम निवेश के नए आयामों को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, वही 2027 में यूपी विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। 2027 में यूपी की 403 सीटों पर मतदान होंगे। हालांकि अब यूपी के चुनाव 3 साल पहले हो सकते हैं। इसकी वजह मोदी सरकार का एक देश एक चुनाव प्लान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में चुनावी जनसभा में बयान दे सकते हैं। बिहार के नवादा में दलितों की बस्ती में आगजनी की घटना ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने इसे बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति का उदाहरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से 80 बहुजन परिवारों के घरों जल गए हैं। जबलपुर रेल मंडल की सतना रेलवे स्टेशन पर नई लाइन जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये काम 25 सितंबर तक होगा। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने 20 से भी ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट की सूची जरूर चेक कर लें। मुंबई से पुणे तक का सफ़र अब आसान हो जाएगा, क्योंकि सिवड़ी नहवा सेवा सी लिंक हाईवे को सोलापुर और 17 से जोड़ने वाला नया एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 17,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। चेन्नई के पिच पर स्पिनरों के लिए अनुकूल माहौल के बावजूद भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ केवल 2 स्पिनरों के साथ खेलने का फैसला किया। पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर कुलदीप यादव को टीम में शामिल न करने से काफी नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन समेत प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के AGR बकाया वसूली से जुड़ी क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। कंपनियों पर सरकार का लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। कोर्ट ने AGR वसूली में गड़बड़ी की शिकायत पर भी कोई राहत नहीं दी है। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, जिसमें आतिश सिंह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। सूत्रों के अनुसार उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरव भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरव भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ईडी ने रिटायर्ड IAS एवं नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO रहे मोहिंदर सिंह की चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की है। रेड में करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 12 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी, 7 करोड़ रुपए कीमत के सोने के जेवरात और केस से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भारत सरकार ने 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत कर दी है, जो बच्चों के भविष्य और बुढ़ापे को सुरक्षित करने में मदद करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का उद्घाटन किया, जिसे जुलाई 2024 के बजट में घोषित किया गया था। कनाडा जाने के चाहवान पंजाबियों के सपनों को बड़ा झटका लग गया है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बड़ा झटका देते हुए छात्र वीजा की संख्या में कटौती की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की है। बिहार सरकार ने अभी सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर रही है। सरकार कह रही है कि हेडमास्टर की कुर्सी सिर्फ वैसे शिक्षकों को मिल सकती है जिसके पास कम से कम 10 साल पढ़ाने का अनुभव हो। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है जितेंद्र ठाकुर, छोटू रजा, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, श्री भगवान प्रजापति, सपना कुमारी, मदीम नाज खान, राम बाबूदास, दीपक कुमार, अरुण कुमार, बाबूलाल मरांडी, अनुज चौहान, संतोष कुमार, जय प्रकाश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपको किस तरह के घरेलू काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।